नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ डबल कटोरी फर्मा कटिंग। साइज है 42। जितने भी आपको अपने ब्लाउज की लेंथ लेनी है, सबसे पहले उसमें हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ से हम अपने ब्लाउज की लेंथ चेक करते हैं। जैसे मुझे 14 इंच तैयार करनी है तो मैं 14.5 इंच लूंगी। 14.5 इंच तैयार करनी है तो 15 इंच लूंगी बैक साइड पार्ट के लिए। बैक साइड के लिए होती है ये। तो यहाँ पे हम 14 इंच तैयार कर रहे हैं तो मैंने 14.5 ली है। आपको जो भी लेंथ लेनी हो उसमें प्लस हाफ इंच कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच शोल्डर, ठीक है। और जो नेक विड्थ है वो यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ 2.5 इंच। 2.5 इंच क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो नेक है वो बैक साइड का वो है 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच नेक ड्रॉ कर लिया है। और इस प्रकार से आप जो नेक है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कहीं भी शोल्डर गिरने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। फिर हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं शोल्डर। और यहां से हम आर्म होल लेंगे, वो लेंगे हम 7 इंच। किस साइज के लिए? 42 साइज के लिए आप आर्म होल लेंगे 7 इंच। और यहां पे आप हाफ इंच का शेप लगा देंगे। ये मैंने हाफ इंच का शेप लगा दिया है। यहां पे मैं लूंगी चेस्ट का चौथा भाग 10.5 इंच। तो ये हमारा हो गया 10.5 इंच पे पॉइंट बैक साइड के लिए। यहां पे मैं लूंगी जो राउंड शेप होता है उसके लिए यहां पे हम 2.5 इंच का मैंने पॉइंट लगा दिया है। और इस पॉइंट को मैं इस प्रकार से शोल्डर पॉइंट में मिलाऊंगी। और इस प्रकार से मैं आप देख सकते हैं फिटिंग पॉइंट में मिलाऊंगी। तो ये हमारा राउंड शेप हो गया है। इसको आप ऐसे डार्क कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे डार्क कर लिया है ताकि कटिंग करने में हमें अच्छी सुविधा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया। मार्जिन कितना लिया जाता है और कहाँ और कब? तो देखो, चेस्ट का फोर्थ पार्ट फिटिंग पॉइंट होता है, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन होता है हर साइज में, एनी साइज में, जब आप ब्लाउज की कटिंग करते हो। अब हम देखते हैं कमर। कमर है यहाँ पे 36, उसका फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। और हाफ इंच या 1/4 इंच या फिर 1 इंच आप बैक साइड की दाढ़ के लिए कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1/4 इंच लिया है, टोटल हो गया 10.5 इंच। और इस फिटिंग 10.5 के फिटिंग पॉइंट को आप यहाँ पे मिलाइए 10.5 में। और इसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेकर के आप मार्जिन पॉइंट में मिला दीजिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन, कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 1/4 इंच इस दांत के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैं 4.25 इंच पे ये बैक साइड की दांत लगाऊंगी, चेस्ट के 10वें भाग पे। यहाँ पे मैं दांत ले रही हूँ 4.5 इंच की। और इस दांत की जो चौड़ाई है वो है टोटल 1/4 इंच की। इस तरफ से और इस तरफ से दोनों एड करके यहाँ पे मुझे 1/4 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये 1/4 इंच बिल्कुल बराबर में यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब इसको मुझे यहाँ सेंटर पॉइंट में मिला देना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको मिलाना होता है, ठीक है। इसके बाद में आप इस प्रकार से इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का जो बिल्कुल पार्ट है उसकी यहाँ पे परफेक्ट कटिंग आप कर सकते हैं। यही मेजरमेंट है। अब हम आगे के पार्ट्स की कटिंग समझ लेते हैं। डबल कटोरी ब्लाउज के पार्ट्स के में भी मैं देखो लेंथ 14.5 इंच ले रही हूं। तो ये हो गई है 14.5 इंच लेंथ। और वही शोल्डर है हमारे 6 इंच के। वही निकड़त है 2.5 इंच की। और यहाँ पे हाफ इंच का राउंड शेप लगाएंगे, नहीं सॉरी शेप लगाएंगे। और यहाँ पे फिर 6 इंच, यहाँ पे फिर आर्म होल जो है 7 इंच,
या फिर चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10.5 इंच, और इसके बाद 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, यहां पे हम बैक साइड में 1.5 इंच, 1.5 इंच का शेप लगाया था, यहां पे हम 1 इंच का लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने हाफ सेंटर में ड्रॉ कर दिया है और इसको फिटिंग पॉइंट में मिला दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा और अंदर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम हाफ सेंटर में हमें इसको पूरा करना होता है। ये जो आगे का शेप है ना, इसको आपको हाफ सेंटर में ही पूरा कर देना होता है। ये हमारा हाफ सेंटर हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का थर्ड भाग लेंगे। सबसे पहले वो होता है 14 इंच, तो हम 14 इंच में से माइनस करेंगे 1.5 इंच, ये हो गया 12.5 इंच पे हम यहाँ पे डबल कटोरी की कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। अब नीचे की हमारी 2 इंच की क्रॉस पट्टी है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने 1/2 इंच का जो है वो शेप लगा दिया है। यहाँ पे हम कमर का ड्रॉइंग करेंगे 9 इंच प्लस 1/4 इंच, 1.25 इंच पे हमने जो 1/2 इंच का हम हुक पट्टी और गलाई पट्टी के लिए स्पेस लेते थे, 1/2 इंच से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि जितना रखा है मैंने जितने की मेरी सिलाई की स्टेप है, क्योंकि सिलाई की स्टेप पूरी 1/2 इंच की नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है और 1/4 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख लिया है, ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है और यहां से भी 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। ठीक है, अब हम डबल कटोरी के लिए यहाँ पे लेंगे 6.25 इंच, यानी 6.25 इंच। अब हम यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक हम बना रहे हैं 5.5 इंच और इसको मैंने चौड़ाई लिया है 2.5 इंच और ये मैं नेक ऐसे ड्रॉ करूंगी। आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा नेक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, डबल कटोरी की कटिंग करेंगे हम 6.25 इंच पे। यहां से जो चौड़ाई ले रहे हैं वो मैंने लिए 6.25 इंच, यहां से भी मैं 6.25 पे पॉइंट लगा दूंगी बिल्कुल बराबर में, और नेक लाइन से मैं लूंगी 3 इंच पे क्योंकि जो हमारा नेक है वो छोटा है यहाँ पे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आपका जितना नेक हो उसके अकॉर्डिंग आप डबल कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डबल कटोरी का ड्रो कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके जो बीच का स्पेस है वो 2 इंच का है, तो ये 2 इंच का बराबर रहना चाहिए। और अब हम इसको यहाँ पे डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना पूरा मेजरमेंट हो गया है, तो मैं इन सब पार्ट्स की कटिंग करूंगी, इसके बाद आपको डबल कटोरी की कटिंग बताऊंगी, इसके बाद में इस पार्ट को आपको कपड़े पे कटिंग करोगे तो कितना एक्स्ट्रा लेना है वो बताऊंगी, और ये तीरे का पार्ट्स या कटोरी के पार्ट्स को कितना एक्स्ट्रा लेना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पहले इन सब पार्ट्स को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ब्लाउज के तीनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब इसकी हम डबल कटोरी कटिंग करेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट देख लीजिएगा आप कि इसका मेजरमेंट टोटल कितना है। यहाँ पे यह 9 इंच का, यहाँ पे हम 6 इंच पे पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ से हमने 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और यहाँ से हम 2.25 इंच का पॉइंट लगाएंगे। और ये जो मिडिल सेंटर है 6.25 इंच का हाफ सेंटर करेंगे। ये हाफ सेंटर हो गया है, यहाँ पे हम 2.25 इंच लेंगे।
ये सवा दो हो गया है। अब आप इस प्रकार से पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी दो अलग अलग, तो इसके मैंने कट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये तो वेस्टेज, इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पे पहले इसकी इसको ड्रॉइंग कर लेते हैं। इसकी ड्रो कर लेंगे पहले इस प्रकार से, जैसे ये बराबर है वैसे यहाँ पे मैंने इसको ड्रो कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारे डबल कटोरी के लिए मैंने इसको ड्रो कर लिया है। अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, यहाँ से भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, नीचे से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच का मैंने पॉइंट लगा दिया है और यहाँ से भी मैंने ये 1/2 इंच का पॉइंट लगा दिया है। इस प्रकार से 1/2 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लूंगी, फिर तो मैंने 1/2 इंच का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और इनको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ से मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और यहाँ से मैं नेक लाइन को 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1/2 इंच है और ये 1/4 इंच है। 1/4 इंच को मुझे इसमें मिला देना है और 1/2 इंच को मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। अब देखिए आप इसको मैं यहाँ पे ऐसे डार्क कर लूंगी, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 10 इंच की। ये कितना इसका जो राउंड है वो है 10 इंच का। नीचे का पार्ट्स में कटिंग करूंगी 10 इंच का। यहाँ पे ये देखिए आप, ये हो गया है 10 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं इस तरफ में कितना है, तो ये 3 इंच और इस तरफ 2.25 इंच। तो एक तरफ हम 3 इंच लेंगे, ये 3 इंच हो गया, इस तरफ हम 2.25 इंच लेंगे। और इसको मैं इस प्रकार से मिला देती हूँ। 1/2 इंच में सिलाई का एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो ये 1/2 इंच और इस तरफ भी 1/2 इंच, ये हो गया है सिलाई का, ये हो गया सिम के लिए। तो अब हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब हम इसका सेंटर बनाएंगे 5 इंच पे, ये हमारा सेंटर होगा और 3 इंच तक मैं इसकी सेंटर को ऐसे करूंगी, 3.25 इंच चाहिए और 1.5 इंच इस तरफ में और 1.5 इंच इस तरफ में पॉइंट लगाऊंगी और हम इस प्रकार से इसकी जो है स्टिचिंग लेंगे इस तरफ और ये हो गया इस तरफ, ठीक है ना। ये हो गया 1.5 इंच, कहां ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पार्ट्स को मैं यहां से ऐसे कटिंग करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा लिया है ये हमने सिम के लिए लिया है। जब इस पार्ट्स को इस पार्ट्स में जॉइंट करेंगे तो हमें सिम का चाहिएगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। इस पार्ट को इस पार्ट में जॉइंट करेंगे तो ये सिम का एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी अपने डबल कटोरी पार्ट्स को, बिल्कुल बराबर में जैसे ड्रॉ किया हुआ है वैसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे आगे के पार्ट्स हैं। तीरे के पार्ट्स को जब आप कपड़े पे कटिंग करोगे 1/4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा। क्रॉस पट्टी को जब आप कटिंग करोगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा, ठीक है। ये पार्ट बिल्कुल बराबर कटिंग होंगे क्योंकि हमने ओरिजिनल डबल कटोरी की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, इसको सील करके, इसको सिलने के बाद ये कैसी लगती है। तो इसकी मैं एक सिलाई आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से इसकी जो स्टिचिंग है वो एक बिल्कुल बराबर आएंगी। तो इसको हम स्टिचिंग लेते हैं, तो ये देख सकते हैं आपके मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है। ये देखिए ये अंदर से ऐसे स्टिच होगा और ये इसके दोनों पार्ट्स ऐसे स्टिच होंगे। आगे से आपको इसको हल्का सा सीप लगाना होगा, तो इसको हम ऐसे सीप लगा देते हैं और इसके हम हल्की सी राउंड शेप में ऐसे कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अब आप ऐसे
इसकी जो है यहाँ पे स्टिचिंग ले सकते हैं बिल्कुल ओके में। ये आपकी यहाँ पे डबल कटोरी जो है सिलने के बाद ये जो पार्ट्स आपको ऐसे होंगे। अब आप इनकी ऐसे अच्छे से देखिए। अब ये क्या होता है कि ये जो पार्ट्स जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको तीरे के पार्ट्स को क्वार्टर इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना होगा, ठीक है। और इस पार्ट्स को आपको इसकी और इसकी स्टिचिंग में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा हमारी क्रॉस पट्टी को। इसके बाद आप इसकी स्टिचिंग करें, आपका जो ब्लाउज है वो देखे परफेक्टली बनेगा। यहाँ पे आप नेक लाइन देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग ली हुई है, तो ये बहुत ही आपकी जो परफेक्ट है इसकी यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग आएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।